तवा कहानियों का अखाड़ा। यह तवा सिर्फ एक साधारण रसोई का हिस्सा नहीं है, बल्कि यह एक ऐसा मंच है जहां अनगिनत कहानियां जन्म लेती हैं। हर बार जब यह तवा गर्म होता है तो इसके साथ ही हमारे दिलों में भी एक गर्माहट फैल जाती है। गर्म तवा, उसके ऊपर फूलती रोटी। यह दृश्य सिर्फ एक रोटी के पकने का नहीं है, बल्कि यह एक पूरी प्रक्रिया है जो हमें हमारे अतीत से जोड़ती है। जब रोटी फूलती है तो ऐसा लगता है जैसे हमारे सपने और उम्मीदें भी इसी तरह से आकार ले रही हैं। यह सिर्फ खाना बनाने का सीन नहीं है, यह एक ऐसा क्षण है जो हमें हमारे परिवार और हमारी परंपराओं से जोड़ता है। जब हम तवे पर रोटी पलटते हैं तो हम अपने पूर्वजों की यादों को भी ताजा करते हैं। यह तो कहानियों का अखाड़ा है, यहाँ हर रोटी के साथ एक नई कहानी बनती है। हर बुलबुला, हर दाग कुछ कहता है। यह तवा हमें सिखाता है कि जीवन में हर छोटी बड़ी घटना का अपना महत्व होता है। यहाँ आटे में जिंदगी के रंग घुलते हैं। जब हम आटा गूंधते हैं तो हम अपने जीवन के हर पहलू को उसमें मिलाते हैं। यह एक ऐसा समय होता है जब हम अपने विचारों और भावनाओं को भी उसमें मिलाते हैं। हर बुलबुला, हर दाग कुछ कहता है। यह तवा हमें सिखाता है कि जीवन में हर छोटी बड़ी घटना का अपना महत्व होता है। यह हमें याद दिलाता है कि हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है, कुछ याद दिलाता है। यह तवा हमें हमारे बचपन की यादों में ले जाता है। जब हम अपनी माँ या दादी को रोटी बनाते देखते थे तो वह समय हमारे लिए बहुत खास होता था। यह तवा हमें उन पलों की याद दिलाता है। तवे की गर्माहट घर की गर्माहट होती है। यह तवा हमारे घर की आत्मा है। जब यह तवा गर्म होता है तो हमारे घर में भी एक अलग ही ऊर्जा फैल जाती है। यह तवा हमें हमारे परिवार के साथ जोड़ता है। यहाँ रिश्तों की सौंधी खुशबू फैलती है। जब रोटी पकती है तो उसकी खुशबू हमारे रिश्तों को और भी मजबूत बनाती है। यह तवा हमें सिखाता है कि कैसे छोटे छोटे पलों में भी खुशियां ढूंढी जा सकती हैं। दादी नानी की लोरी, माँ की डांट, सब कुछ इस तवे के इर्द गिर्द घूमता है। यह तवा हमारे जीवन के हर पहलू को छूता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह तवा भी कमाल का है। यह तवा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हर छोटी बड़ी घटना का अपना महत्व होता है। चुपचाप सब देखता है, सुनता है। यह तवा हमारे जीवन के हर पहलू को देखता और सुनता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हर अनुभव, चाहे वह अच्छा हो या बुरा, हमें कुछ न कुछ सिखाता है और हमें जोड़ता है, रोटियों के जरिए, कहानियों के जरिए। यह तवा हमें हमारे परिवार और हमारी परंपराओं से जोड़ता है। यह हमें सिखाता है कि कैसे हर छोटी बड़ी घटना का अपना महत्व होता है। यह तवा हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। आटे का सफर, जिंदगी का सफर, आटा, पानी, नमक, ये तीनों मिलकर बनाते हैं रोटी, जो हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है। बस इतना ही तो चाहिए रोटी बनाने के लिए। जीवन की तरह सरल, लेकिन इस सरलता में भी एक गहराई है, एक कहानी है। फिर भी हर रोटी अलग, हर रोटी का अपना एक अलग रूप, एक अलग स्वाद होता है। हर एक का अपना स्वाद, हर एक का अपना अनुभव। जैसे जीवन में हर व्यक्ति का अपना अनुभव होता है, हर एक की अपनी कहानी। हर रोटी के पीछे एक मेहनत, एक प्यार और एक समर्पण छुपा होता है। आटे को गूंथना जिंदगी को गूंथने जैसा है। जैसे हम आटे को गूंथते हैं, वैसे ही हम अपने जीवन को भी आकार देते हैं। मेहनत लगती है, प्यार चाहिए और थोड़ी सी किस्मत। ये तीनों मिलकर ही एक अच्छी रोटी बना सकते हैं। जैसे ये तीनों मिलकर ही एक अच्छा जीवन बना सकते हैं, तब जाकर रोटी भी मुलायम बनती है और जिंदगी भी। मुलायम रोटी और सुखद जीवन दोनों ही मेहनत और प्यार का परिणाम होते हैं। जैसे आटे को फूलने के लिए वक्त चाहिए, वैसे ही रिश्तों को भी, धीरे धीरे, प्यार से, समय के साथ, धैर्य और समझ से, तभी तो मजबूत बंधन बनते हैं। जैसे रोटी परिवार को एक साथ लाती है, वैसे ही जीवन के रिश्ते हमें एक साथ बांधते हैं। रोटी और जीवन दोनों का सफर एक जैसा है। पीढ़ी दर पीढ़ी ये सफर चलता रहता है। जैसे दादी अपने पोते को रोटी बनाना सिखाती है, वैसे ही जीवन के मूल्य भी सिखाए जाते हैं और अंत में ये सफर हमें खुशी और संतोष देता है। रोटी का सफर, जिंदगी का सफर, दोनों ही हमें सिखाते हैं कि सरलता में भी सुंदरता है। माँ के हाथों में जादू होता है। उनके स्पर्श से सादा आटा भी जीवंत हो उठता है। सादा आटा भी उनके हाथों में लगकर एक अनोखा स्वाद और खुशबू बिखेरता है, स्वादिष्ट रोटी बन जाता है। जब रोटियां तवे पर फूलती हैं तो ऐसा लगता है जैसे माँ का प्यार उसमें समा गया हो। हर निवाला माँ के प्यार का एहसास कराता है। हर टुकड़ा उनके स्नेह और देखभाल की कहानी कहता है। याद है बचपन में जब भूख लगी होती थी तो माँ गर्मा गर्म रोटी बनाती थी। वह रोटियां
जो सीधे तवे से उतरी होती थी, और उनके ऊपर घी या मक्खन, उसके ऊपर घी या मक्खन। वह स्वाद आज तक जुबान पर रहता है, वह स्वाद आज तक जुबान पर रहता है। माँ की रोटियों का स्वाद उनकी ममता और प्यार का प्रतीक है। माँ की रोटियां सिर्फ खाना नहीं होती, वह तो दुआ होती है, वह तो दुआ होती है, उनके प्यार का आशीर्वाद होता है, उनके प्यार का आशीर्वाद होता है। माँ की रोटियां उनके स्नेह और देखभाल का प्रतीक होती हैं। हर निवाला उनके अनमोल प्यार का एहसास कराता है। माँ के हाथों की रोटियां सिर्फ पेट नहीं भरती बल्कि दिल को भी तृप्त करती है। माँ के हाथों का जादू, रोटियों का स्वाद एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। माँ की रोटियां उनके प्यार और देखभाल का प्रतीक है। हर निवाला उनके अनमोल प्यार का एहसास कराता है। माँ के हाथों का जादू, रोटियों का स्वाद एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। माँ की रोटियां उनके प्यार और देखभाल का प्रतीक हैं। हर निवाला उनके अनमोल प्यार का एहसास कराता है। माँ के हाथों का जादू, रोटियों का स्वाद एक ऐसा अनुभव है जो जीवन भर याद रहता है। कभी गौर से देखा है रोटी को? हर रोटी की अपनी शक्ल होती है, अपना रंग। जैसे हर इंसान का अपना व्यक्तित्व होता है, कोई रोटी थोड़ी फूली हुई तो कोई थोड़ी सिकुड़ी हुई, कोई एकदम गोल तो कोई बेतरतीब, पर हर एक खास। और हर निवाला, वह तो यादों का पिटारा खोल देता है। बचपन की शरारतें, त्योहारों की रौनक, परिवार के साथ बिताए पल। त्योहारों का अपना ही रंग होता है, और इस रंग में रोटियों की खुशबू चार चांद लगा देती है। दिवाली पर पूजा की थाली में रखी रोटी, ईद पर बनाई जाने वाली मीठी सेवई, हर त्योहार का अपना जायका। रोटी बस खाना नहीं है, ये तो हमारी संस्कृति का हिस्सा है, हमारी परंपराओं का प्रतीक है। रोटी में एक अजीब सी ताकत होती है, ये लोगों को जोड़ती है, अपनों को और भी करीब लाती है। याद है जब कभी कोई मेहमान आता था तो सबसे पहले रोटी बनाई जाती थी, क्योंकि रोटी बांटना प्यार बांटना होता है। एक ही तवे पर बनी रोटियां अलग अलग लोगों को एक साथ लाती हैं। यही तो रोटी का जादू है। जमाना बदल रहा है, लोग बदल रहे हैं, पर रोटी आज भी हमारे साथ है। आज भले ही लोग तंदूर या ओवन में रोटियां बनाते हों, पर उसका स्वाद वही है, उसकी अहमियत वही है, क्योंकि रोटी तो रोटी है, ये तो हमारी जिंदगी का हिस्सा है। रोटी बनाने की कला पीढ़ी से पीढ़ी चलती आ रही है। दादी से माँ ने सीखा, माँ से हमने, और अब हम अपनी बच्चों को सिखा रहे हैं। यह सिर्फ रोटी बनाना नहीं है, यह तो अपनी परंपराओं को आगे बढ़ाना है, अपनी संस्कृति को जीवित रखना है, और यह सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा, क्योंकि रोटी तो हमेशा रहेगी। रोटी के बारे में सोचते हैं तो बहुत सी बातें याद आती हैं। वह गर्मा गर्म रोटी जिस पर घी पिघल रहा होता है, वह रोटी जो हम अपने भाई बहन से छीनकर खाते थे, वह रोटी जो हमने अपनी माँ के हाथों से पहली बार बनाई थी। रोटी तो बस रोटी नहीं है,